उपस्थित सभी बस्ती से और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए जगनी भजनों के सच्चे श्रद्धालु महानुभाव एवं ममता की मूर्ति माता और बहनों, मैं उदय भान सिंह अकोला अपने सहयोगी कलाकार भाई रोहतास चाहर और मुकेश जी आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये रिकॉर्डिंग देशवाल यूट्यूब चैनल कठुमर वालों की तरफ से आप तक पहुंचाई जा रही है। सुनिए, सज्जनों अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि संगीत के बहाने से आप लोगों का दर्शन हुआ। बड़ा सुंदर दृश्य, यहां समाज बैठा है, श्रोता हैं भैया रोहतास। पहले भी एक बार इस बस्ती का दर्शन मैं पा चुका हूं, लेकिन वो कहा है कि हर यार यार नहीं होता। ध्यान देंगे शब्दों की तरफ, इतना निवेदन करना चाहता हूं। हर यार यार नहीं होता, हर यार वफादार नहीं होता, ये तो दिल मिले की बात है सजनों, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता। हर दोस्त समझदार नहीं होता, हर व्यक्ति का सपना साकार नहीं होता। हम गाते बजाते जरूर हैं, ये माँ सरस्वती की देन है, वरना पेट से कोई कलाकार नहीं होता। आइए सजनों, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और अभिनय कर रहे हैं। अच्छी बात है, पब्लिक को रिझाने के लिए अभिनय किया जाता है, लेकिन ये मंच आपने सम्मान का जो मंच दिया है कलाकार के लिए, इसका मैं उल्लंघन नहीं करूंगा। और मेरा नियम है कि मैं आपके लिए मंच से नीचे नहीं उतर पाऊंगा, तो आप लोग आशीर्वाद बनाए रखेंगे। सुनेंगे भैया, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन अलग होना चाहता है भला अपनों से, ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। वक्त बड़ा बलवान होता है, ऐसे वक्त से निकल के आए हम लोग सज्जनों, आप सबको पता है ऐसा दौर कभी दोबारा नहीं आए, यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन आइए, समय को ध्यान में रखते हुए आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। एक बार थोड़ा सा ध्यान इधर लगाइए, आप एक जयकारा लगा दीजिए, बोलिए सौरी महाराज की। प्रभु ने दी है जुबान पर बोलता नहीं है, हरि के गुण गाने को मुंह खोलता नहीं है। जीवन में तेरे एक दिन ऐसा दौर आएगा और तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं। तो ध्यान कर ले प्यारे, भारतवर्ष के दो योद्धा सज्जनों, जब विदेश में जाना होता है तो हमें वीजा बनवाना पड़ता है, लेकिन दो योद्धा ऐसे हुए जिनको वीजा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी और विदेश में चले गए, एक त्रेता में एक कलयुग में। अब सुनिए दोनों का संयोग। हरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका, और वीजा का बंधन है, वीजा तो है बनवाना पड़ेगा, लेकिन दो योद्धा कौन गए। पाक जाओ चाहे श्रीलंका, वीजा का बंधन है, और बिन वीजा गए मारुति नंदन। मारुति नंदन हनुमान जी महाराज बिना वीजा के गए थे ना लंका के लिए। और दूसरा कौन गया, बिन वीजा गए मारुति
मूर्ति नंदन और अभिनंदन है, एक तो पूछ वाला है दूसरा हम के कानों तक पहुंच जाता है, नियत में खोट आ जाता है और एक दूत को बुलाता और कहता कि जाकर के राजा से कह दो या तो अपनी बेटी का डोला दिल्ली के अंदर पहुंचा दे वरना मरने मारने के लिए तैयार हो जाए। सजनों वो दूत चल रहा है जहां महाराज की कचहरी लगी हुई थी, जाकर के पत्र को पेश कर देता है और देखिए क्या हुआ। सुनिए, मोती नब बिजली जो मरी ही रात में मसारी से है 100 रुपए ओम प्रकाश जी। और वैसे श्रीमान जी लिख ही रहे हैं, आप नोट करते जाएं तो और अच्छा रहेगा थोड़ा, है ना। लेकिन सुनिए, नहीं देना 5 और 7 मान ले। बिना 5 और 7 मान ले बात महीना पूरा, डोला दिल्ली पहुंचाए दे नहीं। सुनिए, बहुत तेरे नरेश देखे चाचा जी, अरे बहुत तेरे नरेश देखे जिनको पार न पायो है, बेजा के ढिंग बैठ गए भाई को नाश करायो है। बेजा के ढिंग बैठ गए भाई को
में महाराज ने पत्र को पढ़ा। तभी महारानी आ गई, उन्होंने अपने पति का चेहरा उदास देखा, मलिन देखा, पूछने लग गई, स्वामी जरा हमें भी बताओ, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, क्यों परेशान हो? तो महाराज कहने लगे, औरंगजेब बलशाली बादशाह जाने ये पाती भिजवाई है और एक महीना अंदर डोली बेटी की मंगवाई है। सो सातर बली औरंगजेब, सातर बली औरंगजेब कर रहा अपनी मनमानी और कई रोए भूपकी। महारानी की आंखों में आंसू आ गए सज्जनों, लेकिन कहने लगी कि अब बताओ आपका क्या विचार है? प्रिय मैं मजबूर हूं, बेटी का डोला नहीं भेज सकता, डोला तो भेजना पड़ेगा लेकिन प्रजा को नहीं मरवा सकता, मैं मजबूर हूं, एक बेटी की खातिर प्रजा को नहीं मरवाऊंगा। अभी चंचल कुमारी आ गई और कहने लगी, पिताजी क्या बात है? सारी बात मालूम हुई सज्जनों, बेटी ने क्या जवाब दिया सुनिए। चल सुन रे बाबुल और मत सोच करे मन भारो है। पिताजी अगर हमारा डोला चला गया तो गजब हो जाएगा, सुनो। हर कह रही चंचल सुन रे बाबुल और मत सोच करे मन भारो है, और दिल्ली जाऊं तो खुद के सी सकूं धड़के कर दूं। नारी पैदा हुई इसलिए भारत महान है सज्जनों। एक भारत का वो नौजवान वीर योद्धा कई दुश्मनों को उसने मार गिराया, एक दुश्मन की गोली उसके सीने को चीरती हुई पार निकल गई और जब उसकी डेड बॉडी गांव में आई तो सन्नाटा पसर गया सज्जनों। रिश्तेदार कुटुंब परिवार सब लोग वहां मौजूद थे और जिस महिला ने अपने पति को देश के लिए दे दिया था उस महिला की मां भी वहां मौजूद थी। हे बंधुओं जय हो, 50 रुपए दे रहे हैं श्रीमान जी, नाम मुझे पता नहीं है, आप नोट करते जाइए। सज्जनों आज उस मैया ने देखा कि बेटी की मांग का सिंदूर नहीं पूछा है, हाथ की चूड़ी नहीं टूटी है। कहने लगी, बेटी जरा पहचानती है सामने जो पड़ा ये कौन है? उस महिला ने कहा कि माँ मैं पागल नहीं हुई हूं, मैं सब जानती हूं ये कौन है, तो बेटी बता तो सही है कौन है? तो सज्जनों कहने लगी सुनिए, मेरे पति की लाश है जो रखी है मेरे पति हैं। तो बेटी
तेरे पतियां तो तू विधवा हो गई विधवा, और तुझे विधवा होने का कोई गम नहीं है। उस नारी ने कहा कि माँ मुझे इसका कोई गम नहीं है। बड़ी विचित्र बात, लेकिन इस नारी के सत्य में एक रहस्य छुपा हुआ है। नारी ने कहा कि मुझे कोई गम नहीं है। क्यों गम नहीं है, क्या कहा है सुनिए। अरे विधवा का मुझको कुछ गम नहीं है, क्योंकि इतिहास खून से वो रचा के गए हैं। अगली पंक्ति आपके दिल के करीब होके निकल जाए तो एक बार देशभक्ति के लिए हाथ उठने चाहिए सज्जनों। अरे इतिहास खून से वो रचा के गए हैं, और तिरंगे की जैत बचा के गए। हो जाएगा। क्या कहा? हाँ, छुपा रंग केसरिया
चक्कर सफेद से।